बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं। टोयोटा करोला 88 मॉडल, ये डीज़ल इंजन में है, कन्वर्ट है पेट्रोल से डीज़ल में। गाड़ी का फ्रंट देखें आप, हैरान रह जाएंगे, इतना खूबसूरत फ्रंट है। कुप्पे गाडरी वगैरह, फ्रंट पट्टी वगैरह अभी तक ओरिजिनल है इसकी। आप ये चेक करें, ये देखें फ्रंट पट्टी है इसकी, ये ओरिजिनल है अभी तक फ्रंट पट्टी। ये राइट साइड का कुप्पा है इसका, आप इसको चेक करें, रंग इसका फेट हो चुका है लेकिन ओरिजिनल हालत में है। अब ये पूरे फ्रंट में ये देखें, सामने आपको थोड़ा सा क्रैक नज़र आ रहा होगा बेल्ट के नीचे, बस वही है पूरे फ्रंट में, बाकी टोटल फ्रंट जो है जेन्युइन है, किसी जगह से क्रैकिंग वगैरह नहीं। ये चेसिस नंबर चेक कर लें आप, और ये चेसिस पत्री, ये भी ओरिजिनल है अभी तक। ये देखें नीचे तक नज़र आ रहा है आपको, सारा ओरिजिनल कलर है ये अभी तक। ये देखें फ्रंट का जो है, किसी जगह से भी कलर दोबारा नहीं हुआ, फ्रंट टोटल जेन्युइन है इसका। ये देख लें आप, ये नीचे गाडरी आ चुकी है, ये भी चेक करें आप। गाडरी की सील देखें आप, ओरिजिनल सील है अभी तक। और ये साइड भी देखें कुप्पे से नीचे, ये भी बिल्कुल क्लियर है। ये देखें ये दूसरी साइड आ चुकी है इसकी, ये भी आप चेक कर लें। नीचे तक आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये साइडें देखें बिल्कुल साइडें ओरिजिनल हैं अभी तक, कोई पीस वगैरह नहीं लगा इसका दोबारा। ये मुकम्मल लुक आ चुका है फ्रंट का इसका, ये आप चेक करें। इंजन इसका ओके है, 99% इंजन है अभी तक इसका, कोई ब्लो वगैरह नहीं इंजन में इसके, कोई स्मोक नहीं मार रही है। बाहर से लुक आ चुकी है इसकी, बाहर से ये गाड़ी मुकम्मल पेंट है, छत डिग्गी बोनट दरवाज़े तमाम पेंट हैं इसके बाहर से, अंदर से ये सारी जेन्युइन है। मैं आपको इसकी साइड दिखाता हूँ, दोनों साइडें दिखाता हूँ, फिर आपको डिग्गी पर लेकर चलता हूँ। ये चेक करें आप साइड, पहले इसकी अलाई रिम इंस्टॉल है इसमें, टायर दरमियाने हैं, ये गाड़ी जो रजिस्टर्ड है कराची की है, फाइल इसकी दफ्तर में मौजूद है, चेक करवा कर आप ले सकते हैं अगर किसी को पसंद हो। ये इसकी डिग्गी आ चुकी है, बाहर से जंग लगा हुआ है, देखें बाहर ऊपर बेल्ट के साथ जो पट्टी है इसकी, उस पे जंग लगा हुआ है लेकिन ओरिजिनल हालत में है। अब ये डिग्गी आ चुकी है, डिग्गी देखें आप, अभी तक तमाम फर्श इसका नीचे का जेन्युइन है, कोई पीस नहीं लगा डिग्गी को अभी तक। ये देखें आप ओरिजिनल है डिग्गी अभी तक सारी, कोई पीस वगैरह दोबारा नहीं लगा इसका। ये जंग बाहर बहुत है इसके, ये चेक करें आप, इधर भी काफ़ी जंग है। लाक वाली पट्टी देखें आप, इस पर भी जंग है लेकिन ओरिजिनल है अभी तक। ये डिग्गी आ चुकी है, डिग्गी में भी सीलों पे जंग है लेकिन कम है बनिस्बत साइड की। ये चेक करें आप डिग्गी, इसकी जो डिमांड करते हैं 5 लाख रुपया। फाइल ओरिजिनल है, डॉक्यूमेंट तमाम ओरिजिनल है इसके, टोकन अप टू डेट हैं। ये देखें बैग से देख लें इसका व्यू, कराची का इसका नंबर है 1964 इसका नंबर है कराची का। बैग लाइटें वगैरह भी इसकी ठीक है, साफ है। ये दूसरी साइड आ चुकी है इसकी, ये भी चेक कर लें आप अच्छी तरह। ये देखें
अभी हम आपको इसका रूम दिखाते हैं। अंदर से ये गाड़ी मुकम्मल जैनवन है, अंदर से ये गाड़ी जैनवन है, बाहर से तमाम पेंट है। बाहर से अभी भी कुछ काम होने वाला है इसका। ये आपको डोर खोल कर दिखाता हूँ मैं इसका, आप चेक करें आप। ये डैशबोर्ड वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरा है, कोई क्रैकिंग नहीं डैशबोर्ड में। स्टार्टिंग अच्छी है, डीजल में अमूमन स्टार्टिंग सुबह के वक्त तंग करती है, लेकिन बेहतरीन स्टार्टिंग है सुबह के वक्त भी इसकी। इसका मतलब है इंजन इसका ओके है। ये गत्ते वगैरह हैं डोर के, दरमियाने हैं, नॉर्मल हैं। पावर है ये डोर जो है इसके, पावर है। ये बैक सीट वगैरह अंदर का रूम आ चुका है, बैक का वो भी चेक कर लें आप। ये कुंडे वाली जगह भी देख लें आप, यहाँ से भी काम होने वाला है इसका। ये देखें, ये पिलर वगैरह इसके ठीक हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं गाड़ी किसी जगह से भी। पिलर दोनों साफ़ हैं बिल्कुल इसके। नीचे से काम है गाड़ी का, पैनर वगैरह का काम है, कुछ और छोटा छोटा काम है इसका। ये रिम वगैरह देख लें, टायर वगैरह देख लें, नॉर्मल है टायर, रिम अच्छे लगे हुए हैं, अलाई रिम अच्छे लगे हुए हैं, खूबसूरत हैं अलाई रिम। ये अंदर से राइट साइड से आप चेक कर लें इसका व्यू, डैशबोर्ड का, चक्के का, और ये पिलर का भी देख लें आप। ये पिलर से नीचे आकर फिर छोटा छोटा काम है इसका, वो जिस भाई ने भी लेनी है वो करवाना पड़ेगा इसका। ये बैक से भी चेक कर लें आप। ये देखें ना, डैशबोर्ड का जो गत्ता है, सॉरी डोर का जो गत्ता है, वो क्रैक है, थोड़ा सा फटा हुआ है। ऐसे काम है छोटा छोटा। तो दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।